हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर मल्टी कलर में बाल गोपाल जी के लिए पोशाक कैसे बनाए कलरफुल। तो देखिए, हम आज बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाएंगे बिल्कुल कलरफुल में। तो देखिए, मैंने ये नेट ले लिया अलग अलग कलर की, देख सकते हैं इसमें हमारे छह कलर है ये, तो देख सकते हैं इस तरह से। और एक हमने व्हाइट कलर लिया है, तो इन सबको साइज में आपको बाद में बताऊंगी। और हमने ये कैनवास पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, और ये हम 6-7 नंबर की पोशाक बना रहे हैं। तो इसके जो लंबाई चौड़ाई हमने जो ली है, मैं आपको उसका साइज बता देती हूँ। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो हमारी 10 इंच है, लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी हमारी। और देखिए, हमने ये राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, और एक बीच में भी छोटा सा ड्रॉ कर लिया हमने। और नीचे हमने व्हाइट कलर का कपड़ा ले लिया है, दो हमने कट किया है सेम साइज का। तो देखिए, हमें करना क्या है, दोनों को एक साथ रखेंगे इस तरह से, सेट कर लेते हैं दोनों को पहले हम एक साथ। देखिए, हमने सेट कर लिया है। देखिए इस तरह से, अब इस पे हम पूरे पे सिलाई करेंगे राउंड में। देखिए इस तरह से, अब जो एक है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हम सिलाई करेंगे पूरे पे। देखिए इस तरह से हमने पूरे में सिलाई कर दी, बीच में भी यहाँ पे भी हमने सिलाई कर दी। तो ये हमारा तैयार हो गया, इसको साइड में रखेंगे। देखिए, जो हमने कलरफुल वाली नेट ली है इसको हमने इस तरह से कट कर लिया, और इसकी जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमारी 4 इंच रहेगी, और डबल फोल्ड में, और ये हमारी डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई वो 10 इंच रहेगी इस तरह से। और इसे सिंगल कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगी हमारी इस तरह से, और लंबाई हमारी 4 इंच है। देखिए, हमें करना क्या है, इसे हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से लेस डालेंगे इस तरह से। अब देखिए, दूसरी नेट लेंगे लाइट कलर में, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरी पट्टी तैयार कर ली। अब देखिए, यहाँ पे हम यहां से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं।
देखिए इस तरह से जो हमने निशान लगाया यहाँ पे हम इस तरह से इस फ्रिल को लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो हमारा एस्ट है वो हम कट कर लेंगे ऊपर की साइड। देखिए इस तरह से हमने ये पूरे में लगा दी सिलाई और देखिए ये हमारा एस्ट्रा तो हमने निकाल दिया एक कलर इसमें से, हमारे ये पांच कलर है अभी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एस्ट्रा है इसे भी हम कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए इस तरह से जो हमारा एस्ट्रा था हमने कट कर लिया इस तरह से आप देख सकते हैं। और देखिए हमने ये व्हाइट कलर की नेट ली है इसे भी हमने डबल फोल्ड कर लिया और इसके जो हमने लंबाई लिए वो हमारी 3 इंच रहेगी और इसकी भी हम इसी तरह फ्रिल डाल के पट्टी तैयार कर लेंगे पूरी। देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिए, अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और देखिए इसके ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पर हम सिलाई करेंगे और जो हमारा एस्ट है उसे हम कट कर देंगे। देखिए हमने कपड़े की कट कर लिए, अब यहाँ नीचे से लगाएंगे हम इसमें। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी दोनों साइड। अब इसकी हम चोली तैयार करेंगे तो हमने ये व्हाइट कलर की नेट ले ली है और व्हाइट हमने कपड़ा ले लिया है और देखिए इसके जो हमने चौड़ाई ली है वो हमारी इस तरह से 2 इंच आएगी तैयार में और ये हमने इस तरह से 13 इंच की पट्टी कट कर ली है लंबाई में इस तरह से। अब हम दोनों साइड सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से अब इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से यहां पे सिलाई कर देंगे हम। देखिए हमने सिलाई कर ली। अब एक साइड हम ये लेस लगाएंगे मल्टी कलर में क्योंकि हमारा पूरा मल्टी कलर का है। नीचे एक साइड हम इस तरह से लेस लगा देंगे।
है कि इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी 6 इंच की पट्टी है, अभी हम इस तरह से रखेंगे, एक ऊपर एक रख के यहां तक सिलाई करेंगे इसके ऊपर हम। देखिए इस तरह से अब इसका सेंटर पार्ट ले लेंगे इस तरह से हम। इसका सेंटर इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और देखिए इसे यहाँ पे रख के सिलाई करेंगे पूरे ग्राउंड में। देखिए इस तरह से हमने इसमें चोली भी लगा दी है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें और भी सुंदर लुक लाने के लिए इसमें मोती लगाएंगे। तो देखिए हमने ये गोल्डन कलर के मोती ले लिए छोटे वाले, सुई के अंदर हमने धागा भी डाल लिया इस तरह से। अब देखिए हम जगह जगह पूरे में लगाएंगे मोती। देखिए इस तरह से हमने पूरे मोती लगा दिए, जैसे कि और भी सुंदर लुक आ रहा हमारे इस पोशाक का। तो आप इस तरह से सुंदर सी डिजाइनर पोशाक बना सकते हैं मल्टी कलर में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी थी।